रामलीला मैदान में 19 दिसंबर को किसान गर्जना रैली का आयोजन किया गया है। किसान गर्जना रैली में देश के 534 जिलों के लाखों किसान हिस्सा लेंगे। देश के किसानों ने भरपूर उत्पादन कर देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है, लेकिन किसानों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। वो पांचों मांगे कोई नई बात नहीं है। पहली और बुनियादी मांग है कि किसान जो जो भी चीजें अपने खेत में निर्माण करता है, हजारों चीजें मानव जाति के लिए उपयोगी सभी बनाता है, वो कृषि माल का निर्माण का खर्चा प्लस उसमें लाभकारी मूल्य इतना ही उसको मिलना चाहिए किसान को। यही मूलभूत मांग है पहले नंबर की। ये MSP वगैरह जो फार्मूला है ये केवल 23 आइटम पर लागू है और उसका भी फार्मूला निर्धारण का गलत है। और हर साल जो बढ़ोतरी होती है उसका महंगाई से कोई तालमेल नहीं है। तो इस प्रकार का MSP करके जो दिमाग में बिठा दिया है वो एकदम भिन्न है। यहाँ जो हमारी मांग है, जो जो भी चीज़ें कृषि में निर्माण की जाती है, चाहे धान्य हो, फल हो या सब्जी भाजी हो, सभी आइटम को उसके निर्माण का खर्चा ख्याल में रखते हुए केवल 50% लाभ लेते हुए उसको 1.5 गुना पैसा बाजार मूल्य मिलना चाहिए, जिसको हमने कहा लाभकारी मूल्य, ताकि वो पूरा परिवार खेती में काम करता है उसके भी अपनी रोजी निकले, यह उसके पीछे है। और किसान यह किसानी न छोड़कर किसानी में बना रहे और अपना देश का भला रहे, अन्यथा आगामी 15-20 साल के बाद अपने यहाँ पर बहुत बड़ा धान्य संकट, फलों का संकट, ये वेजिटेबल्स भी बाहर से मंगाने पड़ेंगे। ये स्थिति कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, अभी बड़ा सपाटे से माइग्रेशन हो रहा है खेत की तरफ से। यह भारत सरकार को अवगत कराने के लिए नीति बनाओ, ऐसी कमेटी अपॉइंट हो गई है। 7 जुलाई 2022 को भारत सरकार ने कमेटी अपॉइंट की है, लेकिन कमेटी का काम बहुत धीरे धीरे चल रहा। महीने में एक मीटिंग होती है, भारतीय किसान संघ का भी एक कार्यकर्ता कमेटी में है।